जिसमें आज बात होगी नेपाल में हुए बस हादसे की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। यह बस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से नेपाल जा रही थी, जिस वक्त यह बस हादसे का शिकार हुई उस वक्त यह नेपाल के तन्हू जिले पहुंची थी। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और यात्रियों की मदद के निर्देश दिए हैं। जांचा जा रहा है कौन कौन उनमें से उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की, जिस पर सभी की निगाह लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन पहुंचे हैं और पीएम मोदी ऐसे वक्त पर यूक्रेन दौरे पर हैं जब रूस और यूक्रेन युद्ध चरम पर है और दोनों ही अग्रेसिव मोड में हैं। पीएम मोदी इससे पहले कई मौकों पर शांति की अपील कर चुके हैं। ये दौरा भी शांति स्थापित करवाने के मकसद से ही माना जा रहा है। तो क्या पीएम के इस दौरे से निकलेगा इस युद्ध का कोई हल? क्या ज़ेलेंस्की मानेंगे पीएम मोदी की बात? इसके अलावा बात होगी मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की। मोहन यादव के इस एक्शन के बाद यह पूछा जा रहा है कि क्या सीएम मोहन यादव भी निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव तो योगी से भी एक कदम आगे निकले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरोपी के घर के साथ साथ उसकी लग्जरी गाड़ियों पर भी चलवा दिया बुलडोजर, जिसकी गूंज मध्य प्रदेश समेत पूरे देश भर में सुनाई दे रही है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पर हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बस किस कदर गिरी नेपाल में नदी में। ग्राफिक्स के जरिए देखिए बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जो उत्तर प्रदेश की बस है वो नेपाल में मार्सिअन्धी नदी जो है वहां पर जा गिरी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आ रही थी ये, इसे नेपाल जाना था और जिस वक्त दरअसल ये हादसा हुआ उस वक्त नेपाल के तन्हू जिले में पहुंची थी। 40 लोग इसमें सवार थे, 40 यात्री उस वक्त यहां पर थे। और आपको बता दें कि जिन लोगों की मौत हुई है या जिन लोगों के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 14 भारतीय हैं। अब उसमें से उत्तर प्रदेश से कितने हैं इसका खुद संज्ञान लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए तमाम जोन के अधिकारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको आदेश दिया है, निर्देश दिया है और ये कहा है कि जो भी यात्री है उनकी मदद की जाए। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही चली थी ये बस और ये जा रही थी नेपाल, लेकिन उससे पहले ही आप ये देखें कि किस तरह से ये हादसे का शिकार हो जाती है और जहां ये हादसे का शिकार हुई वहां तन्हू जिला था। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बस सामने से आ रही थी और नदी में ये जा गिरती है। मौसम वजह बना या क्या वजह बनी ये तमाम जांच का विषय है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि नेपाल में ये भारतीय बस जो भयंकर हादसे का शिकार हुई। ये ग्राफिक्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी नंबर की ये बस जो नेपाल की नदी में गिरी, ये यूपी नंबर की बस थी और यूपी नंबर की बस नेपाल में नदी में गिरती है। इस बात की जानकारी जैसे ही लगती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव हो जाते हैं। इस हादसे में 14 भारतीय यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 16 भारतीय ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है, जिनको इस नदी में से निकाल लिया गया है। तो कई लोग अभी ऐसे भी हैं जिनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश नंबर की यह बस थी, यूपी नंबर प्लेट जो हम बात कर रखे हैं उसमें 40 भारतीय सवार थे। इन 40 भारतीयों में से 14 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है और कई लोग ऐसे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे का शिकार बस का नंबर हम आपको यहां बता दें, UP53FT7623 जो इसकी नंबर प्लेट है। ये यूपी नंबर की बस जो हादसे का शिकार हुई। खराब मौसम की वजह से भी इससे पहले जुलाई महीने में भी हमने देखा कि किस तरह से दो बार इसी तरह से जो बस हैं वो हादसे का शिकार हुई और नदी में जा गिरी।
मौसम वजह बना, क्योंकि इस तरह के जो पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर हम देखते हैं कि बरसात की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से दरअसल जो भूस्खलन है वो वहां पर होता रहता है, जिस वजह से मुश्किलात आती है, स्लिपरी हो जाती है रोड्स। तो इस वजह से क्या ये हादसा हुआ, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी लोग नदी में गिरे हैं उनका रेस्क्यू किया जाए। अब हम आपको उन तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाते हैं, वो तनहुन, जहां तनहुन जिला नेपाल का, जहां पर ये हादसा होता है, तनहुन जिले में पहुंची थी उस वक्त ये बस। और आप देखिए किस तरह का मंजर उस वक्त था, किसी को समझ नहीं आता है। जो भी आसपास के लोग थे, जैसे ही वो देखते हैं, जैसे ही वहां पर चीख पुकार मचती है, उसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और पूरा देखिए पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगल का ये एरिया है, तो यहां पर थोड़ा सी मुश्किलात भी आ रही है। मौसम लगातार खराब है, आप यहां पर देखिए नदी कितना जबरदस्त फ्लो जो है वो नदी में यहां पर देखा जा रहा है। ये तनहुन हम आपको दिखा रहे हैं, ये मार्सियांगी नदी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दरअसल ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की बस, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये बस निकली थी, नेपाल ये जा रही थी। इससे पहले कि अपने गंतव्य तक पहुंच पाती, तनहुन जिले में जैसे ही ये पहुंचती है ये हादसे का शिकार हो जाती है। लेकिन नेपाल में यह हादसा होता है और इधर एक्शन में आ जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेपाल बस हादसे पर योगी ने संज्ञान लिया, योगी सरकार ने सीधा नेपाल से संपर्क साधा, उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने नेपाल के जो भी तमाम अधिकारी हैं उनसे बात की और लगातार उनसे बात वो कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त जेएस नवीन का बयान क्या है कि पता लगा रहे हैं, यूपी से तो कोई इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दरअसल ये सफर इसका शुरू होता है। और महाराजगंज के एसडीएम को भी भेजा गया है नेपाल, वो उनको भेजा गया है कि भैया आप देखिए, जांचिए परखिए, और अगर कुछ ऐसा है तो फिर जो उनके परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आप जाकर इत्तला कीजिए। महाराजगंज के सीओ भी नेपाल भेजे गए हैं। काठमांडू ये बस जा रही थी, उत्तर प्रदेश की बस, लेकिन नदी में जा गिरती है। नेपाल के तनहुन जिले में भयंकर हादसा ये होता है और इस हादसे में 14 भारतीय यात्रियों की मौत हो जाती है। 16 यात्री जो बुरी तरह से इसमें जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां उनको प्राथमिक जो भी उपचार है वो दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई लोग हैं, क्योंकि गोताखोर वहां पर लगाए गए हैं, अभी भी कई लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाशी अभियान जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको यूक्रेन से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को आप यहां पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोलोदिमिर जेलेंस्की की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और सभी की निगाह इस पर लगी हुई है। खास तौर पर अगर हम बात करें यहां पर रूस की, तो उसकी भी यहां पर निगाह लगी हुई है। और जिस तरह से आज बायलेटरल टॉक्स की अगर हम बात करें तो उनमें 4 ऐसे समझौते भी हुए हैं, मेडिसिन मानवीय सहायता पर भी ये समझौता जो है वो हुआ है, साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है उसे लेकर भी करार किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर हैं, और इससे पहले भी देखिए ये पहली बार है जब ऐसे युद्ध क्षेत्र में कोई भारतीय प्रधानमंत्री हो, और सोवियत संघ से जब अलग हुआ और यूक्रेन जब यहां बना तो उसके बाद ये कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री है 30 से 31 साल बाद, मतलब आप ये लगाइए जब अलग हुआ यूएसएसआर से, तो ये पहली भारतीय प्रधानमंत्री की कोई यात्रा है। लेकिन संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब युद्ध क्षेत्र में है, इससे पहले भी कई मौकों पर कई मंचों से वो ये कह चुके हैं कि युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है, किसी के भी हित में नहीं होता है। तो जब ऐसे समय में कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर हो और दोनों ही एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, जब तो ऐसे में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शांति का संदेश यहां पर देते हैं, कितना असर वोलोदिमिर जेलेंस्की पर पड़ता है, क्योंकि वोलोदिमिर जेलेंस्की जो है क्या वो ये बात मानते हैं या फिर अमेरिका की बात मानते हैं, ये यहां पर देखने वाली बात होगी।